हरियाणा में आज नायब सिंह सैनी की बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी होगी। पंचकुला में सैनी की ताजपोशी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और सूत्रों के मुताबिक नायब सिंह सैनी के साथ 8 से 10 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि सैनी की कैबिनेट में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हरियाणा में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के बाद कल चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को अपना नेता चुना गया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहे। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम की घोषणा करते हुए कहा, हरियाणा में इस बार 36 बिरादरी की सरकार बन रही है जो हरियाणा के हर व्यक्ति का विकास करेगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। और अब आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 37 नेता मौजूद रहेंगे। तो आज नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसके साथ ही 10 विधायक भी उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे अहम यह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और साथ ही गठबंधन से जुड़े जिन राज्यों में सत्ता चल रही है उनके भी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हिस्सा लेंगे।